प्रशासन ने इतनी मोहलत दे दी कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्या कैसा रोल देखते हैं प्रशासन? मैंने अभी एक लाइन में कहा अपनी बात, 2010 और 12 मुझे याद आ रहा है, उस समय तो कर्फ्यू लगा हुआ था और उस कर्फ्यू में आईडी यार मतलब इस्लामिया इंटर कॉलेज के अंदर यार आईडी 15 से 20 हज़ार लोग यार आईडी के ऊपर आईडी ना को आज़ाद इंटर कॉलेज के अंदर कम से कम 12-14 हज़ार 15 हज़ार लोग देगे चढ़ गई थी। योजना बन गई थी कि रात्रि को एक पार्टी इधर से चलेगी, दूसरी इधर से चलेगी और आधी से ज़्यादा बरडी को फूक देंगे। तब क्या हुआ? कर्फ्यू लगा था। मैं इसको बहुत उचित नहीं मानता हूँ, ये किसी भी कीमत पर प्रशासन आता और जाता है। मौलाना ने भी फिर से ऐलान किया है कि अगर हिंदुओं के खिलाफ जो सामग्री मारपीट की गई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से धरना देंगे, फिर से गिरफ्तारी करेंगे। देखो मैं किसी के इंडिविजुअल बयान की बात नहीं करता जब तक अपने कानों से न सुनूं और आंखों से न देखूं, लेकिन ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि किसी भी कीमत को बरेली को अशांत नहीं रहने दिया जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। मैं चाहता हूं कि बरेली उसी आधार पर चले, उसी धार्मिक सिद्धांतों पर चले, उसी भाईचारे को पर चले जिसमें ये दिखे। उन्होंने बाकायदा कैमरों के सामने जो है 44 लागू थी, नौटा सिंगल एफ आई आर वकील रजा के प्रति नहीं है, 188 का मुकदमा भी कायम नहीं, क्या कहेंगे मीडिया में? सर मौलाना तौकीर रजा पहले ऐलान करते हैं और फिर 15 से 20 हज़ार सड़कों पर उतर आते हैं। 15-20 हज़ार उनके कहने से नहीं आते, अगर उनके कहने से आते तो मेयर जीत जाता। उनके कहने आते थे कि पार्टी का इत्तेहाद मिल्लत का जो है वो सवासद जीत रहे होते। तो क्या लग रहा है, कोई और पर्दे के पीछे सपोर्ट कर रहा है उनको? ये तो आप लोगों का विषय है, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि बरेली को जो है वो धर्म से न जोड़कर धार्मिक अंधता को आड़ लेकर राजनीतिक गोटियाँ सेकना नहीं चाहिए। मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक शब्द कहे कि आप लोग तो अपनी तरफ से कोई FIR दर्ज कराएंगे, कोई शिकायत करेंगे, क्योंकि आम व्यक्ति अगर कुछ करता है तो कोई ना कोई आपका कार्यकर्ता थाने पहुंच जाता है। मैंने कहा है, मैंने विचार कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास। मौलाना तौकीर रजा ने अपने समर्थकों का बचाव करते हुए कहा है जो भी उत्पाद हुआ, जो पकड़ा हुआ, वो हिंदू आतंकवादियों ने किया। वो इनको पता है, उनको पता होगा, वो जानते हैं हिंदू आतंकवादी कौन है। आपके ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा है कि जो भी दंगा हुआ वो आपके आपकी निगाह पे हुआ है। हर कहने वाले की बात पर रहा नहीं जाता, जो मर्जी है इसका कहेगा। आखिर जिला प्रशासन मौलाना तौकीर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता हमेशा? क्या अभी आप उनसे पूछो ना, क्यों नहीं की जा रही है? आपको पता है कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और उनकी जो मंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी पार्टी के लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। वहाँ की पुलिस ने जो हमारी है उन्होंने तुरंत संज्ञान लेकर उनके खिलाफ जो है वो FIR लेकर और कार्रवाई की। थॉट में कई लोग प्रकार के होते हैं, थॉट में ये कहा गया है कि बुद्धिजीवी चार प्रकार के होते हैं, एक देखकर अपने को ठीक कर लेते हैं, एक बताने पर ठीक करते हैं, एक ठोकर खाने पर ठीक करते हैं और चौथा तो ऊपर वाले शरण में जब जाते हैं तभी ठीक होते। दृष्टांत है, हर करना चाहिए। अच्छा यही है कि जिस कुल के वो हैं उस कुल के नाम को रोशन जो है और करें, ज़्यादा करें, ज़्यादा से। धन्यवाद। पूरे पूरे दंगा मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा भाई, ये मेरे को नहीं कार्रवाई है, आपके मुताबिक क्या कार्रवाई होनी चाहिए उसमें? वो जो करना है पार्टी ने कर दिया। सर सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह आपकी सरकार है, पिछले 2 साल में मौलाना तौकीर ने 6 बार शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, स्कूलों की छुट्टी हो गई, पूरे शहर में अपराधी का माहौल हो गया, इसके बावजूद प्रशासन ने धारा 144 लगे होने के बावजूद अभी तक कोई FIR नहीं की। पांडे जी मैंने अभी कहा ना, उस समय तो कर्फ्यू लगा हुआ था और कर्फ्यू में इस्लामिया इंटर कॉलेज में और ये आज़ाद इंटर कॉलेज में कितने हज़ार लोग इकट्ठे हुए। अगर मेरी कालीवाड़ी के लोग ना होते, गंगापुर और शिकलापुर और उधर के लोग ना आए होते, तो आपने भी देखा है आंखों से, सब लोगों ने देखा है भाई शंकर खड़ी, अगर वहाँ के महिलाएं और बच्चे सड़क पर ना आए होते तो उस दिन बरेली रहती।
ये सब बरेली खत्म हो गई। सर 9 तारीख के लिए जिम्मेदार कौन है? मौलाना के आह्वान पे इतनी सारी भीड़ आई, शहर 4 से 5 घंटे एकदम से कर्फ्यू जैसे हालात थे, अफवाहों की स्थिति थी, स्कूलों की छुट्टी कराई, आखिर सबको पता है जिम्मेदार है फिर भी कार्रवाई नहीं। हाँ तो ये तो उन्हीं से पूछो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे, माने कार्रवाई होगी ये मान के चलता हूँ कुछ ना कुछ। सर किस तरह की कार्रवाई करते हैं? ये नियमों के अनुसार, न्यायालय के अनुसार किस प्रकार की कार्रवाई कुछ नहीं कहा जा सकता। किसी ने उस समय भी नहीं सोचा था 2010-12 के दंगों के अंदर जो इन्होंने उकसाया था तो इनको जेल भेजा था, ये भी आपको याद है। उस समय कोई नहीं पूछ पाया था कि कौन सी कार्रवाई के अंदर भेजा गया, एक्चुअली भेजा गया 2010 आपको देखना होगा। आप अगर प्रश्न कर रहे हो तो पूरी जानकारी के साथ पढ़ के आओ। सर एक कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिक्स मैच पे प्रदर्शन चल रहा हो, सुरक्षा हटा दी गई फिर सुरक्षा दे दी गई फिर प्रदर्शन हुआ फिर गिरफ्तारी भी फिर लौट गए, तो कहीं अंदर कुछ वो बी टीम टाइप तो नहीं चल रहा है? पता नहीं जिनके बीच में चल रहा होगा मुझे नहीं। अब ये प्रशासन बताएगा ना, आप आपने क्या खाया है ये तो घर वाले ही बता पाएंगे, बाहर वाला नहीं बता। हाँ कर रहा हूँ मैं बराबर देख रहा हूँ, इसीलिए मैं चल के आया हूँ आपके बीच। मैं इसको आश्वासन देता हूँ कि कोई डरने की जरूरत नहीं। श्यामगंज में जो भी बवाल हुआ उसका जिम्मेदार एनसी आपको बता रही है कि आपने पथराव करवाया? अच्छी बात, वो कह रहे हैं तो पकड़ने जाएंगे, तो सर को बोतलने की चेतावनी है, मौलाना ने कहा है। अच्छी बात है, हम तो खुलेआम घूमते नहीं जा रहे थे, मेरा पता भी निश्चित है। अब ये भाई कैसे पता लगेगा कौन से नियम है, कौन सी भाषा है, FIR कौन सी है, किस प्रकार की है? मायावती की तरह सर कराइए।